नमस्कार। प्रख्यात मालाबार स्टोर में आज जयपुर के अंदर नया कलेक्शन बन रहा है सन पीटी के नाम से। हमारे साथ जो आज लॉन्च किया मधु सोनी जी प्रख्यात पर्सन थी और कमलेश सोनी जी मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। फिर हमारे प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय मॉडल श्रीमान शर्मा जी मोदी जी श्रीमान शर्मा जी बहुत इंटरनेशनल देश के देश मॉडल और बताया कोलाबोरेशन में मिलकर दिए देखते कैसा लग रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कलेक्शन के बारे में विदेश जी जानकारी देंगे क्योंकि ये जो वैल्यूबल हेरिटेज से जुड़ा हुआ है बताएंगे कि किस तरह आज ये बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन होगा फिर हम ऑर्डर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितेश है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा आपको इस कलेक्शन को लेकर। ये कलेक्शन है हमारा स्वर्ण कृति कलेक्शन जो मालाबार ने एक बहुत ही मेहनत और बहुत ही एक डिफरेंट कल्चर के साथ में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली हर एक कलेक्शन जो होता है वो किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होता है। ये जो कलेक्शन है वो हमारा इंस्पायर्ड है आपका हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के साथ में। जो नक्काशी जो कारीगरी आपके मॉन्यूमेंट्स में करी हुई है सेम वैसी ही कारीगरी गोल्ड के ज्वेलरी पे हमने करी है। इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मशीन वर्क नहीं है, टोटली हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है। इसमें जो भी वर्किंग करी हुई है उसमें जो पॉलिशिंग किया हुआ है कटिंग पे सारा हैंडमेड मशीन वाला कटिंग नहीं है। सिर्फ हमारी जो वायर से जो कट करते हैं उसी से कटिंग करा हुआ है सारा। इसमें किसी भी तरह का मशीन का वर्क नहीं है। बेसिकली इसका ड्यूरेबिलिटी भी वही है। जो भी शोल्डर्स हम यूज करते हैं हमारे शोल्डर्स जो है जो भी 22 कैरेट के ही होते हैं। अगर जैसे लेस देन कैरेट की ज्वेलरी वो सर्टिफाइड नहीं होती, BIS कभी उसको सर्टिफाइड नहीं करते, तो 22 कैरेट का ही गोल्ड एज अ शोल्डर हम यूज करते हैं। और कोई भी ज्वेलरी आपका और लगातार हम आते हैं हमारे क्लब का सिस्टर क्लब से हम मालाबार हमसे भी जुड़े हुए और हम उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ आकर के ना कोई भी उनका गोल्ड काफ़ी अच्छा है ना, उनके बच्चे जो रहते हैं तो एक विश्वास के साथ में ना यहाँ पर आए हैं। बच्चे कर रहे हैं यहाँ आकर रहे हैं मतलब कपड़ा उठा कर भी आते हैं यहाँ आकर के बच्चे कर रहे हैं। इसमें आप चेक कर रहे हैं कि अपना गोल्ड कैसा रहेगा। हाँ, एक विश्वास है कि मालाबार जयपुर में खोला इसके दो जो है यशा नगर में भी है, एक अपना टॉप रोड पे है, स्टेडियम के सामने है। आप कभी भी कोई भी आना चाहे आराम से आए विश्वास के साथ। मधुसूदन जी सृष्टि वुमेंस क्लब के अध्यक्ष हैं जो काफ़ी समय से हैं। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। कमलेश जी मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जो मॉडल है, इंटरनेशनल देश विदेश में नाम है और सब चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं वीडियो देख रही हूँ क्या कहेंगे आपके और जैसे मैंने भी कहा कि यहाँ आने का मतलब है आपको हर एक टाइप की ज्वेलरी मिल जाएगी। सो डेफिनेटली जयपुर वालों को और बाहर से भी बहुत लोग लाइक पर्सनली वेडिंग और अपने यू नो कोई भी फंक्शन के लिए जयपुर आते हैं कलेक्शन देखने के लिए ज्वेलरी के लिए भी आउटफिट्स के लिए। सो डेफिनेटली कम एंड विजिट मालाबार होटल ज्वेलर्स आपको बहुत ही बढ़िया है। तो आप बताएं कुछ आज के कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा कैसा लगा। मस्त मस्त। इसके अलावा कलेक्शन बस क्वालिटी वेट और बजट फ्रेंडली। नमस्कार, सबसे पहले तो मालाबार और मालाबार के सभी परिवार को आज के इस नए कलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मालाबार कलेक्शन जो है यहाँ पर जब भी शो में खुला है हम लोग मैं इसलिए पहली कस्टमर थी और यहाँ पे इसमें काफ़ी सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ क्योंकि सबसे पहले यहाँ का फूड रेट काफ़ी बाकी जगह से बहुत कम है और दूसरा यहाँ पे एक जो अभी इस वक्त इन्होंने पैकिंग पे भी काफ़ी 25% ऑफ किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमारे को इतना वेटेज मिलता है, इतना फ्रेंडली यहाँ का एटमोसफियर है और हमें भी लगता है हमारे मालाबार जो है हमारे लिए परिवार की तरह हो गया। हमारा कोई भी फंक्शन हो सृष्टि का बिना मालाबार के अधूरा है। सभी को बहुत पूरे ग्रुप को बहुत सारी शुभकामनाएं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर कलेक्शन है सोनकर टी-शर्ट में, और क्या मतलब की क्वालिटी है, देख देख के आके मतलब देखती रहती है, मतलब आके पलटती हमारे जो इनके मालाबार के जो एम है पौरवाल जी, वो आज के कलेक्शन की विशेषताएं बताएंगे ताकि आप लोग यहाँ आप देख सकें है क्या खास बात आज की इसमें, जिसको उद्घाटन हमारे कमरे छोड़ी थी और सोनी जी ने किया है, बाकी ऑडियंस बताएंगे। पहले हम और विशेषताएं जानेंगे हमारे सप्लाई रहे मेरे पौरवाल जी। कलेक्शन लॉन्च हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी का, ये जो कलेक्शन है ये अपना हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट होते हैं ये सारा उनसे इंस्पायर्ड है। जैसे हम लोग कई बार घूमने जाते हैं, कहीं देखने जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से उसकी जो बनाया होगा, कैसे आकृति दी होगी उसके ऊपर, चाहे मंदिर हो चाहे कोई पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर बहुत से डिजाइनिंग होते हैं जो अनबिलीवेबल है, जो नक्काशी मंदिरों में उसमें होती है, बिल्कुल डोम पे होती है, पिलर्स के ऊपर होती है, जाली वर्क होता है उसके ऊपर, तो वही सेम चीज ज्वेलरी में भी होती है, जाली वर्क हो गया, डोम्स हो गया, सब कुछ होता है, बट उन चीज़ों को हमने अपने तराश के ज्वेलरी के ऊपर लेकर आए हैं। उन वही कुछ कुछ हमने ऑप्शन लिए हैं कि वो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, वो उन सब चीज़ों को मिला के एक मिक्स करके ये सब ऑर्नामेंट्स तराशा गया है। इन चीज़ों को सारा हैंडक्राफ्टेड है, कोई बिना वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा प्लेन में है, और इसमें सारा बहुत ही अच्छा मतलब कलेक्शन चाहिए सारा। इतने सारे कलेक्शन निकले हुए हैं उसके अंदर एक मतलब और नया क्या जुड़ गया आपका, एक और एड ऑन है तो ये तो यहाँ भी होगा हिंदुस्तान में जो फॉरेन में जो आपके स्टोर है वहाँ भी सब जगह अवेलेबल होगा, पूरे इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में ये लॉन्च कर रहे हैं, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में लॉन्च हो रहा है, हर स्टोर अपने अपने डेट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से किया है, सब लॉन्च किया है। आपने कलेक्शन देखा, आप बताएं कुछ इसके बारे में कैसा लग रहा है आपको? हम लोग यहाँ लाल कोठी के मालाबार शोरूम में आए हुए हैं, यहाँ पे स्वर्ण कीर्ति कलेक्शन लॉन्च हुआ है और षष्ठी क्लब के कॉल पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं। देखिए मुझे जो कलेक्शन पसंद आया वो मैंने अपने गले में पहना हुआ है ट्राई करने के लिए, और मुझे अगर खरीदने का मौका मिलेगा तो मैं दो कलेक्शन खरीदना चाहूँगी क्योंकि इन दोनों में मेरी च्वाइस है। और आप जैसा कि इसको देख सकते हैं इसमें ट्रेडिशनल है, जैसे हमारी अम्मियाँ पहना करती थी, उसमें नयापन है, उनकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें नयापन है, इन्होंने कलर टेक्सचर जो है वो नई जनरेशन के हिसाब से बनाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मालाबार गोल्ड आप इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भारतीय महिलाओं के हिसाब से ये करते रहिए, क्योंकि हमें सोने से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, सोने से ज़्यादा हम किसी से प्यार नहीं करते, और ऐसा नहीं अपने परिवार से भी, पर फिर भी सोने से बहुत प्यार करते हैं, और कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया है और मैं पहले से मन खुश रह जाए, बिल्कुल वो फर्स्ट लव है। और हमारा देखिए कि जो बजट जिसे बचत कहेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ी बचत भी सोना ही है, तो अब आप देखिएगा कि हर महिला सोने से बचत करना चाहती है, जिससे सोने के रेट्स अच्छे हाइक कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स है और डिजाइनिंग का डिजाइनिंग है और खुश रहने का माध्यम है। थैंक यू सो मच। मैं गोल्ड कम पहनती हूँ, लेकिन इनके यहाँ मैंने जब कलेक्शन देखा उसको देख कर मेरा इतना मन लग जा रहा है, मैं सब सारा खरीद इतना सुंदर कलेक्शन है, इतना प्यारा कलेक्शन है, मैं काफ़ी देर से इसको पहने हुए हूँ, मेरा उतारने का मन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मेरा कलेक्शन देखने के।